व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कमेंट्स और सजेशंस के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम टी ऑर्गेनाइज़र कैसे बना सकते हैं। यहां मैंने इस्तेमाल किया है एक शू बॉक्स का, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। और साथ मैंने एक प्रिंटेड पेपर मेरे पास मौजूद था, वो मैंने यूज़ किया और ये दोनों कलर्स आपस में बहुत अच्छा मैच हो गए थे। इसके ऊपर लेबल्स मौजूद थे जो कि मैंने हाथ से स्क्रैप करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उतर रहे थे। मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही सस्ता मिल जाता है। किचन टॉवल पे थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाया और उसकी मदद से मैंने इसको स्क्रैप किया और लेबल्स आराम से रिमूव हो गए थे। उसके बाद जो स्टिकीनेस रहती है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ने रिमूव कर दी थी। ऐसा ही मैंने बॉक्स की दूसरी साइड पर भी किया जहाँ पर और लेबल्स लगे हुए थे। बारी थी बॉक्स को पेपर से कवर करने की। जहाँ जहाँ मुझे ब्रांड का नाम नज़र आ रहा था मैंने वहाँ वहाँ कागज़ को मेजर किया, एक स्केल की मदद से मार्क किया शार्पी की हेल्प से। और स्केल यूज़ करने का मकसद ये है कि आपकी मेजरमेंट बिल्कुल प्रिसाइज होगी। बॉक्स के कवर के ऊपर अब आप ग्लू लगाएं और जो पेपर आपने कट किया है उसको इस पर चिपका दें। ऐसा करने से टॉप का पोर्शन तो हो गया कवर लेकिन साइड्स पे अभी भी आपको टैक्सी ब्रांड का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आप एक पेपर स्ट्रिप इसी तरह और मेजर करके कट करें और साइडों पर भी पेपर को चिपका दें। यहाँ मैंने फिर मेजर किया, उसकी कटिंग की और फिर स्ट्रिप को ग्लू की मदद से चिपका दिया। स्ट्रिप तो चिपक गई लेकिन एजेस को नीट करने के लिए मैंने स्कॉच टेप का इस्तेमाल किया। अंदर की तरफ आप ट्रांसपेरेंट टेप लगा दें जिससे स्ट्रिप सिक्योर हो जाएगी। ये तो हो गई एक साइड नीट और दूसरी साइड पर भी मैंने ऐसे ही ग्लू से पेपर को स्टिक कर दिया था। ग्लू कुछ ज़्यादा ही लग गई क्योंकि मेरी उंगलियों पर भी ग्लू चिपक चुकी थी। और अब इधर आप स्कॉच टेप से सिक्योर करना स्ट्रिप को ना भूलिएगा। टेप लगाने के बाद टॉप और साइड्स हो गई थी तैयार। कवर तो हो गया रेडी लेकिन बात करते हैं अब बॉक्स की। बॉक्स की साइडों पर भी ब्रांड का नाम लिखा नज़र आ रहा था, तो भी मैंने पेपर स्ट्रिप से कवर कर लिया। और अब बारी है टी ऑर्गेनाइज़र्स की। बॉक्स की बेस को कवर किया किचन टॉवल की मदद से। एक फोल्डर मेरे पास मौजूद था जिसका मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ से मैंने स्ट्रिप्स मेजर की ऑर्गेनाइज़र की लेंथ और विड्थ के मुताबिक और बॉक्स के अंदर उसको फिट कर लिया। बॉक्स में प्रॉपर फिटिंग के लिए आप ट्रांसपेरेंट टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशन से आगाह करने के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैज़ इन कैनेडियन वंडरलैंड। टेक केयर।